गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए क्लास 8 के लिए इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर से चल रहा है सिंचाई के बारे में। कल मैंने बताया कि सिंचाई के पारंपरिक तरीका, आज है सिंचाई के आधुनिक तरीके विधियां। तो इसके दो विधियां है, एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है आपका ड्रिप तंत्र। देखिए आधुनिक विधि इसमें क्या है कि जल का अधिक क्षति ना हो, जल का नुकसान ना हो, क्योंकि अभी के समय में जल की कमी हो जाती है, इसलिए कुछ आधुनिक विधियां का प्रयोग में लाया जाता है ताकि हमारा जल सुरक्षित हो, जल का कम खर्च हो और हमारा फसल में सिंचाई भी हो सके। तो सबसे पहला विधि आपका है क्या, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र का मतलब होता है कि ये असमतल जमीन, जहां पर भूमि असमतल हो, ऐसे क्षेत्र में छिड़काव तंत्र का विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जल का अधिक नुकसान नहीं होता है, छिड़काव करके कि आप फसल को सिंचाई कर सकते हैं। इससे हमारा फसल में सिंचाई भी होगा और हमारा जल का सुरक्षा भी होगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं कि छिड़काव तंत्र कहते हैं, यानी पानी को छिड़क छिड़क करके सिंचाई करना छिड़काव तंत्र कहलाता है। ये असमतल जमीन के लिए, जहां पर भूमि असमतल हो, बराबर नहीं हो, ऐसे क्षेत्र में सभी पौधों को फसल में जल देना असंभव हो जाता है, जिसके कारण सभी बराबर मात्रा में फसल में नहीं मिलता जल, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। इसमें क्या है, ड्रिप तंत्र में भूमि या समतल हो या बराबर हो, उसमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये समतल समतल जमीन के लिए ही किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पाइप के माध्यम से आपका किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जल जो होता है, जो सिंचाई हम लोग करते हैं, ये बूंद बूंद कर करके एक एक पौधे के जड़ तक पहुंचता है। इसमें क्या होता है कि नोजल लगा हुआ रहता है, नोजल में छोटे छोटे पाइप लगे रहते हैं, इन्हीं पाइपों से इस नोजल में क्या होता है कि मशीन के द्वारा जल जाता है। हर क्षेत्र में आपका पाइप आपके खेतों में लगा रहता है, उसमें छोटे छोटे पाइप लगे रहते हैं। ये नोजल में पानी जाने के बाद क्या होता है कि इन्हीं छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से बूंद बूंद करके आपके फसल के जड़ जड़ तक पानी आपका सिंचाई का काम हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। इससे भी आपका जल का नुकसान नहीं होता है और पौधों के डायरेक्ट जड़ तक, जो फसल हम लोग लगाते हैं उसके एकदम डायरेक्ट जड़ तक जाता है और आपका सिंचाई का काम होता है। तो इस तरह से ये आपका छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र दो विधियां हैं, आधुनिक विधियां जो सिंचाई के काम में किया जाता है। तो ये दो विधि था। अब अगला बिंदु बनता है आपका खरपतवार। खरपतवार क्या है कि फसल के साथ में जो फसल हम लोग लगाए, जो पौधा हम लोग लगाए, उसके साथ में कुछ अवांछित पौधे जो बिना मतलब का प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, जिसको हम लोग बोए नहीं, जिसको हम लोग उगाए नहीं, जिसको हम लोग लगाए नहीं, वैसे पौधे जो अपने आप से उग जाते हैं, प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इस तरह के पौधे को हम लोग खरपतवार कहते हैं। खरपतवार से हमारा फसल को नुकसान होता है, उसके पोषक तत्व में बंटवारा हो जाता है, जिससे कि हम जो फसल लगाए, जो पौधा हमने लगाए थे, जो फसल उसका पोषक तत्व में बंटवारा हो जाने के कारण वह अच्छे प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाता है और हमारा फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस तरह के पौधे को हम लोग खरपतवार कहेंगे, जो अवांछित रूप से उग जाते हैं। अगले दिन आपको अगले कक्षाओं में इस ऑनलाइन माध्यम से आपको बताएंगे खरपतवार से सुरक्षा किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से तरीके से हम खरपतवार को नाश कर सकते हैं और अपने फसल को बचा सकते हैं। तो मैं इन्हीं के साथ में आज का ये ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।